590 1। देखो असी वो शो करना ना कि ए शो करना कि एंगुलर मोमेंटम कि है अंडर रूट कैपिटल जी एम एस स्क्वायर एम ई इंटू आर। एम एस इज द मास ऑफ सैटेलाइट एंड एम ई इज द मास ऑफ अर्थ। ए शो करना हम देखो इतने सेंट्रीपिटल को फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कौन कर रहा? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन वी नू रिप्लेस करा ना। हम रिवॉल्व कौन कर रहा? सैटेलाइट कर रहा है। इतने मास कि होगा एम एस सैटेलाइट। वेलोसिटी है दी रेडियस आर गिवन आर भी आ रहा एम एस एम कैपिटल जी किस तरह लिखे होना। इस तो तुम्हें पता लग रहा यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्सटेंट आ। हम देखो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा? इतने इनू सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा? सेंट्रीपिटल फोर्स कि एम वी स्क्वायर ओवर आर होंगे ना। मास सैटेलाइट का ना रिवॉल्व कर रहा। हूँ एक सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितनी होएगी? कैपिटल जी मास एम वन एम टू ओवर आर स्क्वायर। इक्वेट कर देना दोनों पता ना। इक्वेट क्यों करना? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स कि हैगी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। एम एस वी स्क्वायर ओवर आर इज इक्वल टू कैपिटल जी एम एस एम ई ओवर आर स्क्वायर। वी स्क्वायर कि आ जाएगा? एम एस कैंसल्ड एक आर कैंसल कहना आ गया कैपिटल जी एम ई ओवर आर। इतनी वैल्यू पुट कर दो वी इज इक्वल टू अंडर रूट कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ ओवर आर। ओके इनू अंदर स्केयर रूट दे लिखो स्टूडेंट्स एम एस। देखो जो स्केयर रूट अंडर रूट के अंदर आ बाहर आ ना देखो सॉरी वी की वैल्यू मैं पुट करती ना इतों वी की अंडर रूट। देखो स्टूडेंट तुम्हें ना तुम प्लस वन बाउंड नहीं किया जाता ठीक है। बाउंड मीनस अं तुम लिमिटेड नहीं करते कि तुम इन्ना ही करना नहीं। तुम देखो जिवें एंगुलर मोमेंटम हो गया टॉर्क हो गया जिन्हें भी कंसैप्ट है ये बहुत अवास्ट है ठीक है। अवास्ट मीनस कंसैप्ट यही है नमेरिकल ये जिन्हें मर्जी टाइप के बना लो ठीक है। जो मैं तुम्हें असाइनमेंट दवाँगा ना वो वरायटी ऑफ नमेरिकल होंसैप्चुअल होने वो तो तुम्हें पता लगेगा कि किवें क्वेश्चन आ सकते हैं ठीक है। इस करके सिलेबस कंप्लीट हो जाना कंसैप्ट कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं होर रिविजन करवाई कि तुम पैटर्न पता चलेगा कि किवें क्वेश्चन आते हैं तो किवें अटैम्प्ट करना। ईवन कि तुम कंपीटेटिव एग्जाम लिए भी तैयारी कर सकते जी ठीक है। वो भी डिफिकल्ट नहीं है सिर्फ कंसैप्ट बेस्ड है वो उपर ता कंसैप्ट क्लीयर होना चाहिए। नमेरिकल तो सेम ही होंगे कोई डिफरेंस नहीं होंगे ठीक है ना। बस उन्होंने मोल्ड किया होंगे नहीं बस समझना कि किवें करना ठीक है। जिन्नी टेक्नीक सीखोगे उन्निया तुहाडी लर्निंग वधिया होएगी ठीक है। तुहाडे कंसैप्ट क्लीयर होणगे जिन्ने नमेरिकल करोगे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे पहले कंसैप्ट क्लीयर होना चाहिए। तो जिन्नियां प्रॉब्लम तुसीं डिस्कस करोगे अपने एरिए नूं वाइड करोगे उन्ना ज़्यादा क्लैरिटी होएगी तुहानूं कंसैप्ट की ठीक है। क्योंकि देखो एक टीचर प्लस वन दे विच तुहानूं पता सिलेबस काफ़ी वास्ट होंदा ठीक है। तो असी तुहानूं मान लो जिवें एक कंसैप्ट आ 50 क्वेश्चन 50 क्लास करवाने या वीडियो बनाउणी पॉसीबल नहीं होंदी। सो असी 10% करवाउणा दा बाकी तुसीं जिहड़े नमेरिकल तुसीं खुद करने होंदे तुहानूं प्रॉब्लम हो रही फिर तुसीं पुछणा दा। बट प्रॉब्लम यह है कि तुसीं एक बच्चे ने भी मैनूं हुण तक तुहाडे प्लस वन दे डाउट एक बच्चे ने नहीं पुछा ठीक है। स्टूडेंट्स इहनूं अंडर रूट दे अंदर लिखना इहनूं जदों अंदर लैके अंडर रूट एम एस स्केयर हो जाएगा इतने नाल आर भी है ना जी एम ई ओवर आर। जिहड़ा आर जदों अंडर ए अंडर रूट के अंदर लैके जाओगे की हो जाएगा स्केयर हो जाएगा। तुहानूं पता ना जिहड़ा अंडर रूट के अंदरों स्केयर होवे वो बाहर जाके जी पार वो हाफ हो जाती बाहर जाके ठीक है। अंडर रूट 1/2 होंगी ना अंडर रूट का मतलब 1/2 जिनी पार होएगी हाफ हो जाएगी। जो बाहर आते पार की हो जानी डबल हो जानी है बाहर आर वन अंदर आर टू हो जाएगी। हूँ देखो तुहाडा आंसर आना अंडर रूट कैपिटल जी एम एस स्केयर एम ई इंटू आर डन।
नेक्स्ट इज सुना है टॉर्क ऑफ 10^3 न्यूटन मीटर एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी टर्न इट थ्रू 30° इन 0.2 सेकंड कैलकुलेट वर्क डन बाय द टॉर्क ऑन द बॉडी एंड पावर ऑफ टॉर्क। देखो मैं यह फॉर्मूला देखो वर्क डन कैलकुलेट करना ना पहले वर्क डन के देखो मैं तुम्हें ना सिंपल तुम थोड़ा कंसैप्ट होर तुम सिंपल कर देना फॉर्मूले किमें याद करने हैं ठीक है तुम ईजी रहेगा। देखो तुम फॉर्मूले मैं लिखा देना किमें याद करना तुसी ट्रांसलेशन मोशन के फॉर्मूले लिख लो फोर्स कितने होंगे मा ये तुम मूवमेंट होंगे शेयर डिस्कस करना। देखो इधर ट्रांसलेशन मोशन ने तो लिख लेनी फिजिकल क्वांटिटीज इधर रोटेशनल ठीक है फॉर एग्जाम्पल ये जब लीनियर वेलोसिटी वी एंड ये की होंगी है ओमेगा ये एक्सेलरेशन ए अल्फा ये डिस्प्लेसमेंट में आप जिम्मे एस ना लिखते हैं ये थीटा ठीक है ये इनिशियल वेलोसिटी आ फाइनल वेलोसिटी है ना इनिशियल वेलोसिटी यू उन्होंने ओमेगा नॉट ठीक है वर्क डन कि होंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हूँ एक कहने पहले दस एक मिनट ये फोर्स एफ हों फोर्स का रोल कौन प्ले करता टॉर्क ठीक है हूँ ये वर्क डन की होंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ये वर्क डन कि हो जाएगा हूँ टॉर्क फोर्स का हूँ ये रोल कौन प्ले करता टॉर्क का कर देना टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट मीनस थीटा डो थीटा। सो इस तरह तुम्हें ना फॉर्मूले को कंपेयर करना ठीक है एक ना कंसैप्ट रहा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कराने तो बाद मैं फिर कंपेयर करा दाँगा ठीक है जी। हम जिमें क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन आ वर्क डन कैलकुलेट करना वर्क डन कितने टॉर्क इनटू थीटा टॉर्क का पता सानू थीटा कितना एंगल 30° तुम दस ना थीटे को हमेशा ही रेडियन करना इन रेडियन कन्वर्ट करो डिग्री चाहे रेडियन कन्वर्ट करने इसमें मल्टीप्लाई करेंगे पाई ओवर 180 ठीक है मल्टीप्लाई करके कि आ जाएगा थोड़ा पाई बाय 6 पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7 ठीक है आगे समझ तो हम पार कि लीनियर वेलोसिटी ट्रांसलेशन मोशन फोर्स इनटू वेलोसिटी ये पार कि होगी फोर्स का ये कौन रोल प्ले करता टॉर्क वेलोसिटी ओमेगा ठीक है इस तरीके तुम्हें याद करना कुछ औखा नहीं है तुम्हें रिलेट कर देना फॉर्मूले को कौन कि रोल प्ले करता ट्रांसलेशन मोशन या रोटेशनल दे ठीक है बस ये तुम्हें आना चाहिए तेरे अपने आप ही चैप्टर हो जाएगा इन कंपेयर करके करना उदा नहीं करना रिलेट करके कोई नैक्सट नैक्सट है जिम्मे फॉर्मूला बेस्ड इन्हों के क्वेश्चन ए फॉर्मूला जिम्मे मोदन करवाए मेगा इक्वल मेगा नॉट इतने मेगा टू लिखे फाइनल एंगुलर वेलोसिटी मेगा वन इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी बट तुम्हें इन्हों मेगा मेगा नॉट रिप्लेस कर सकते ठीक है जी। जिम्मे क्वेश्चन करवाना मैं एक द रेडियस ऑफ ए व्हील ऑफ कार इज 0.4 मीटर द कार इज एसोलेटेड फ्रॉम रेस्ट बाय एन एंगुलर एसोलेशन 1.5 रेडियन पर सेकंड स्केयर फॉर 20 सेकंड हाउ मच डिस्टेंस विल द व्हील कवर इन दिस टाइम एंड व्हाट विल बी इट्स लीनियर वेलोसिटी। देखो तुम्हें की गिवन आ रेडियस गिवन 0.4 मीटर ठीक है होर की गिवन है एसोलेशन एंगुलर ओमेगा टाइम गिवन डिस्टेंस कैलकुलेट करना हम थीटा कि होगा ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर ऐ तुसी डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया इन रोटेशनल मोशन हम ट्रांसलेशनल कैलकुलेट करना ठीक है। सो थीटा देखो ए ट्रांसलेशन कि होता मैं भी लिखा देना तुम थीटा ना इन दोनों की रिलेशन होंगे इन दोनों की रिलेशन होंगे वी इक्वल टू क्या ओमेगा ठीक है यदा भी रिलेशन तुम्हें पता एद रिलेशन की होएगा ए सर्कल बना लो ना सर्कल बना लिया ए थीटा आ डिस्प्लेसमेंट है ना एस ए रेडियस आ तुम्हें तो सर्कल किया तो 9/10 के भी किया थीटा इक्वल टू एल ओवर आर आ डिस्प्लेसमेंट कि होएगी थीटा इंटू आर कोई फॉर्मूला लगाया थीटा इंटू आर ठीक है आर 0.4 इंटू थीटा 1.300 रेडियन जो कैलकुलेट किया है ठीक है ये थोड़ा मीटर जा जाएगा हूँ तुम्हें की कैलकुलेट करनी है लीनियर वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी कैलकुलेट करने लीनियर वेलोसिटी तुम कितों कैलकुलेट करोगे ये फाइनल वेलोसिटी कह रहे हैं फाइनल इनिशियल नहीं फाइनल
फाइनल कैलकुलेट मतलब ओमेगा कैलकुलेट करोगे पहला, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी वैल्यू पुट करो, क्योंकि रेस्ट तो शुरू है ना, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जीरो है, ठीक है। हुण फाइनल एंगुलर वेलोसिटी तो ही क्या लीनियर वी इक्वल टू ओमेगा तुम पता, ठीक है। इस तरीके क्वेश्चन है कोई डिफिकल्ट नहीं है, तुम इन करोगे तो हो जाएगा आराम के नाल, कोई डरन वाली गल नहीं है। स्टूडेंट्स तुहानू इहदे विच कोई प्रॉब्लम होवे तुसीं मैनू दस सकदे जी, ठीक है। टिपिकल प्रॉब्लम्स जे करनियां चाहुंदे कर लो, जे नहीं करनियां ठीक है एटलीस्ट इहनू ट्राई जरूर करियो, कोई डिफिकल्टी आउंदी मैनू जरूर पुछियो, तुहानू सॉल्व करावांगा, ठीक है जी। बाकी मैं असाइनमेंट तुहानू दवांगा, असाइनमेंट तो जरूर सॉल्व करना, तुहाडियां काफ़ी सारियां प्रॉब्लम्स जिहड़ियां ओह सॉल्व आउट हो जाएंगी।